अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल सिस्टर रोमा। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड। तो चलें जी, सबसे पहले हम डो की तैयारी कर लेते हैं। डो के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैदा 2 कप, नमक 1/2 टीस्पून, पाउडर शुगर 1 टीस्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून, इसकी जगह हम बटर भी ले सकते हैं, मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून, इंस्टेंट ईस्ट 1 टीस्पून, वार्म मिल्क 1 कप। सबसे पहले हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बाउल में डाल के मिक्स कर लेंगे। जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के उसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। हमारा डो कुछ इस तरह का होगा और हमारा इतना मिल्क बच गया है। अब हम इसमें तेल डालेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे और ताकि इसके सारे साइड साफ हो जाए। हमारा डो रेडी है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, जब तक हम चिकन फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। चिकन फिलिंग के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। शेडेड चिकन 250 ग्राम, हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हरी मिर्च पेस्ट 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, तेल 1 टीस्पून, प्याज 1, सिरका 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, ऑयल 1 टेबल स्पून, 1 अंडे की जर्दी, चेडर चीज़ हमें जितनी ज़रूरत हो, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, शिमला मिर्च एज रिक्वायर्ड, क्यूब शिमला मिर्च 1/4 कप। सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल लेंगे, उसे हीट कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें श्रेडेड चिकन शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बाकी सारे मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे और पका लेंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर का पानी शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून पानी के अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करके हमने मिक्स करके डाला है। अब इसको पकाएंगे तब तक कॉर्नफ्लोर का पानी सूख जाए और अब हम इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम ये लिड हटाएंगे और इसको मिक्स करके चूल्हा बंद कर लेंगे। हमारी डो को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। ये देखें कितनी राइस हो गई है। पहले हम इस पर ऑयल लगाएंगे और फिर इसको अच्छे से गूंद लेंगे। अब हम इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब हम एक पेड़े को लेके बेलेंगे लंबा लंबा, और लंबा बेलने के बाद इसमें हम फिलिंग शामिल करेंगे सेंटर में।
अब इसमें आप कट लगा देंगे छुरी से। और इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पर अंडे की जर्दी लगा देंगे, फिर इस पर चीज स्लाइस लगाएंगे और जो है हमारे पास शिमला मिर्ची थी वो लगाएंगे। टॉपिंग आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, आप इसमें एलोपिनोज भी लगा सकते हैं, ऑलिव्स भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने इस वाले में सेसमी सीड नहीं डाली है, लेकिन सेसमी सीड हमने रेसिपी में लिखी है, वो भी आप टॉपिंग में यूज करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप जो है इसको बनाने के बाद इसी तरह 10 मिनट के लिए राइज होने रख दें तो आपके ब्रेड और अच्छे बनेंगे। मैंने ऐसे ही रख दिया था ओवन में तो ये इतने अच्छे नहीं फूले थे। ये देखिए जी, बगैर राइस करे हमारी चिकन ब्रेड इस तरह तैयार हुई है, और हमने अगली जो तैयार की है वो हमने राइस करने के बाद की तो हमारी इस तरह होंगी। और जी हमारी चिकन ब्रेड बिल्कुल तैयार है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।